नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गाजीपुर बॉर्डर झड़प मामले पर टिकैत का बयान। टिकैत ने कहा, जाति आधारित दंगे भड़काने की साजिश रच रही बीजेपी। कर्मचारियों के लिए खुलेंगे माध्यमिक और परिषदीय स्कूल, चलती रहेंगी ऑनलाइन क्लासेस। सरकार ने रक्षा सेवाओं में शामिल कर्मियों के विरोध प्रदर्शन पर लगाई रोक, जारी किया अध्यादेश। एनआईए को मिली बड़ी सफलता, बेंगलुरु दंगा मामले के मुख्य साजिशकर्ता को किया गया गिरफ्तार। बिहार में एक दिन में हुई 2 लाख से अधिक लोगों की जांच, दूसरे दिन फिर बढ़े मामले। तो चलिए अब रुख करते हैं खबरों का। देश में कोरोना की दूसरी लहर जा चुकी है, तीसरी की आशंका को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। तीसरी लहर से बच्चों को कोई परेशानी ना आए, उसके लिए बच्चों की वैक्सीन पर काम कर चल रहा है। इस बीच सरकारी समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट के क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति देने के खिलाफ सिफारिश की है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक सरकारी समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट को 2 से 17 साल के बच्चों पर कोवैक्स टीके के दूसरे या तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति देने के खिलाफ सिफारिश की है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को आवेदन करके 10 साइटों पर 12 से 17 और 2 से 11 साल के 920 बच्चों, 460 प्रत्येक पर कोवैक्स का प्रशिक्षण करने की अनुमति मांगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3 बजे नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर देश के डॉक्टर्स कम्युनिटी से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। भारतीय चिकित्सा संघ IMA द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हर साल 1 जुलाई को देश भर में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इसी दिन देश के महान डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। यह दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर्स कम्युनिटी ने COVID-19 महामारी से लड़ने में अहम भूमिका निभाई है और इस समय भी डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री अक्सर अपने संबोधनों में इसके लिए डॉक्टर्स और अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले अन्य लोगों की सराहना करते रहे हैं। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे डिजिटल इंडिया के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। आज सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल में 6 साल पूरे हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया पहल भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। 1 अप्रैल को आयोजित किया जाने वाला प्रोग्राम केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के उद्घाटन संबोधन से शुरू होगा। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। तो मनीष, आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे डॉक्टर्स को संबोधित करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ अनुष्का, को बता दूं कि लगभग 3 बजे आज दोपहर में प्रधानमंत्री मोदी डॉक्टर्स, जो कि कोरोना वॉरियर्स माने गए हैं, उनको संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और इस बार IMA जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसके प्रधान में एक आयोजन किया गया है, जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ये पहला मौका है जब कोरोना काल में जब प्रधानमंत्री डॉक्टर्स को सीधा संबोधन करेंगे। हमेशा उन्होंने हर संबोधन में अपना उन्होंने चाहे पिछले कोरोना काल की बात करें, चाहे इस कोरोना काल की बात करें, हर बार हमने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने सराहना की थी, किस तरीके से डॉक्टर्स ने पहली पंक्ति में रह के काम किया था और किस तरीके से अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने कोरोना काल में जो अपनी सराहनीय पहल की थी, सराहनीय योगदान दिया था, उसको लेके प्रधानमंत्री मोदी हर बार अपने संबोधन में डॉक्टर्स की सराहना कर चुके हैं। पर ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर्स हैं उनको संबोधित करेंगे। तो ये देखना वाली चीज होगी कि किस तरह की संबोधन रहते हैं, क्या कुछ डॉक्टर्स के लिए भी रहता है, क्योंकि डॉक्टर्स एसोसिएशन के हमेशा से कुछ मांगे भी रही हैं, क्या वो कुछ वहाँ पे प्रस्ताव भी करते हैं कि जिसको प्रधानमंत्री अपनी तरफ से नरेंद्र मोदी डॉक्टर्स के लिए कुछ प्रोत्साहित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये देखने वाली बात होगी। पर ये बहुत बड़ा आयोजन है और बहुत बड़ा मौका है जब
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से सराहनीय करने वाले अग्रिम पंक्ति के जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स डे पे उनको संबोधित करेंगे। अनुष्का, मनीष, जिस तरीके से आपने बताया कि डॉक्टर्स का हमारी जिंदगी में किस तरह से और कोविड काल में किस तरीके से उनका योगदान रहा है, उनका महत्वपूर्णता रही है हमारे जीवन में, वहीं देखा गया है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और कार्यक्रम है जिसमें सुबह 11 बजे वो डिजिटल इंडिया के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ भी बातचीत करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में क्या कुछ रहने वाला है? आपको बता दूं कि डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म की असल में अगर बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी पहल, जब से कोरोना काल आया था पिछले 2020 की बात करेंगे तब से इसके ऊपर प्रमुखता से देखा गया था और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसके प्रावधान में किया गया था। उसी को लेकर आज 11 बजे एक वेबिनार के थ्रू ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें जितने भी विभिन्न प्रकार के जो डिजिटल इंडिया के जो डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था के लोग जुड़े लोग हैं उनके जो लाभार्थी हैं उनको प्रस्तुत किया जाएगा और कई अन्य योजनाओं का शिलान्यास और आयोजन भी किया जाएगा। अनुष्का, धन्यवाद मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे थे जहां आज नेशनल डॉक्टर्स डे का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी डॉक्टर्स को 3 बजे संबोधित करने वाले हैं। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी आंदोलन के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर हंगामा खड़ा हो गया। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले जिसमें दोनों गुटों के लोगों को चोटें आई हैं। वहीं इसको लेकर भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अमित बाल्मीकि ने कहा कि मेरे काफिले पर कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके राकेश टिकैत के इशारे पर हमला किया गया है। जब किसी नेता का स्वागत कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जाता है तो निश्चित रूप से ढोल ताशे ये सब बजाए जाते हैं और मैं तो बहुत लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का काम प्रत्येक मंडल और बूथ स्तर तक कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे से कार्यकर्ता भी नीचे तक का जुड़ा हुआ है तो इसलिए सब में जोश था कार्यकर्ताओं में और जो लेकिन वो काले झंडे दिखाते दिखाते और जिस प्रकार से उग्र हुए वो मतलब बिल्कुल निंदनीय है और उन्होंने दलित समाज का अपमान किया है। पहले वो लोग जैसा कि मुझे बताया पहले वो लोग चले गए थे लेकिन जैसे ही मेरी गाड़ी आई और वो तुरंत वहाँ पहुँच गए और उन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और दिल्ली और लखनऊ में राजनीति गर्म करने के बाद निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद का आगमन गोरखपुर में हुआ जहाँ कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि नौशर चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। हालांकि पूरे कार्यक्रम के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ये मेरा समाज है, सदियों से 70 साल से सताया जा रहा था, इन्होंने देश को आजाद कराया था, इनका कोई वकील नहीं था जो प्रधानमंत्री तक अपनी बात आवाज पहुँचा सके, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रीय पार्टियां था वहां तक नहीं आवाज पहुँच रही थी। आज इनके बदौलत इनकी खुशी है कि हमारा जो मुद्दा है आरक्षण का कि जो संविधान में लिखा है मझवार गौड़ तुरिया खरवार बेलदार कि मझवार की प्रवासी केवट मल्ला है, राष्ट्रपति ने दस्तखत कर रखा है लेकिन बेईमानों ने इनका इनकी पुकारू और उपजातियों का नाम पिछड़ी में डाल के 70 साल से इनका लूट रहे हैं। लेकिन जो भी राजनेता है वो अत पिछड़ी जात में हम शामिल करने गुमराह करते रहे। आज पहली बार वकालत हुई है दिल्ली में, पूरे देश में मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा कि आज पहली बार इनका सही जो सही माने में राष्ट्रपति ने लिखा है संविधान में कि मझवार ही है केवट मल्ला जो है उनकी उपजाति हैं, इन्हें जल्दी मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मंशा सही है, अगर नहीं सही होती तो काहे को सामाजिक न्याय समिति बनाती। माननीय योगी आदित्यनाथ की मंशा हमारे समाज के प्रति सही है, तभी उन्होंने 7 बार अपने मुँह से तमाम वीडियो क्लिप में अपनी आवाज़ उठाई दिल्ली तक। उसी मंशा को धरातल पर लागू करने का जो अभी चल रहा है 15 दिन से कि इधर कोरोना था, हम लोग 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास इसीलिए गए कि बिना आरक्षण के मेरे समाज का कुछ भला नहीं होने वाला है। इसकी लड़ाई 70 साल से लड़ते रहे, जो नेता लड़ के आगे आया वो मार दिया गया। पहली बार डॉक्टर संजय एक ऐसे नेता हैं जो 7 साल से जिंदा हैं, इनके हिस्से को जिंदा कराने के लिए, इनका आरक्षण दिलाने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने इनकी बात सुन ली है, जल्दी से जल्दी इस पर अमल हो रहा है।
आजमगढ़ में सपा समर्थक गुड्डू एमएलसी का बीडीसी को धमकाने का ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव में बीडीसी को प्रलोभन और दिया गया और कहा गया कि अगर वह वोट नहीं देंगी तो काम नहीं होगा। ऑडियो में महाराजगंज ब्लॉक के राकेश यादव गुड्डू एमएलसी द्वारा अपनी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव दिलाने के लिए फोन पर बीडीसी को पैसे का प्रलोभन और धमकाने की बात सामने आई है। इस मामले में भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने कड़ा विरोध जताया है। आगरा के पनाहट में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित महिला ने इसको लेकर कोई कार्यवाही न होने पर खुद को परिवार सहित अपने घर में बंद कर लिया। वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस वायरल वीडियो में पति पत्नी ने बच्चों सहित बीमार होने का हवाला दिया है। इसको लेकर कांग्रेस नेत्री से फोन पर पीड़िता के द्वारा मदद भी मांगी गई। वहीं पति ने बच्चों सहित आत्महत्या की धमकी भी दी है। इस पूरे मामले की जांच पिनाहट पुलिस कर रही है। औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में दहेज का मामला सामने आया है, जहां युवती के परिजनों ने आरोप लगाया है कि महिला को ससुराल वालों के द्वारा जिंदा जला दिया गया है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जलती चिता से मृतका की अस्थियां और साक्ष्य जुटाकर जांच के लिए भेज दिए हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कानपुर देहात के अकबरपुर के रहने वाले दिनेश शर्मा ने अपनी बहन संगीता की शादी 4 साल पहले अजीत मल के चपटा में की थी। बता दें कि शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ससुराल वालों के द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग की गई। घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों का आरोप है कि उसकी बहन की ससुराल में मौत होने के बाद पड़ोसियों के द्वारा उन्हें सूचना दी गई, लेकिन जब वह गांव पहुंचे तो पता चला कि ससुराल वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले में एसपी अपर्णा गौतम का कहना है कि साक्ष्य जुटाकर कार्यवाही की जा रही है। ये सूचना कल मृतका के परिजनों द्वारा दी गई थी कि उसके ससुराली जनों द्वारा उसका शव जो है वो उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उनको ये शंका है कि उसके साथ कोई अप्रिय घटना की गई है। जब लोग मौके पर पहुंचे तो वहां पर जो विवाहिता का शव था उसको अंतिम संस्कार उसका कर दिया गया था। जो भी फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य संकलन उसमें किया गया है, वहां से एविडेंस हमारे द्वारा उठाए गए हैं। जो मायके पक्ष के लोग हैं, जो मृतका के परिवारजन हैं, उनके द्वारा 304B का अभियोग पंजीकृत कराया गया है और जो अभियुक्त हैं वो इस समय मौके से फरार हैं। उन्हीं की बुलंदशहर के देहात कोतवाली में कुछ शरारती तत्वों द्वारा सोसाइटी में बने मंदिर को तोड़ने की धमकी दी गई और कहा गया कि अगर मंदिर बना तो बुलडोजर चढ़वा देंगे। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि पिछले 4 सालों से यहां मंदिर बना हुआ है। मंदिर की छोटी जगह होने के कारण लोगों को पूजा करने में परेशानी होती थी, जिसके बाद मंदिर को थोड़ा बड़ा करने को कहा गया है, जिसके बाद सोसाइटी के ही कुछ शरारती तत्वों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इस बात की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला यह था, यहाँ बरन अपार्टमेंट में पिछले 4 सालों से यहाँ मंदिर बना हुआ है। अभी मंदिर छोटा होने की वजह से लोगों को थोड़ी असुविधा होती थी पूजा करने में, क्योंकि सोसाइटी में अब काफ़ी लोग आ चुके हैं, पौने 300 फैमिलियाँ हैं यहाँ पे। तो हमने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इसमें चल ही रहा था काफ़ी टाइम, आप देख ही रहे हैं काफ़ी काम हो चुका है ऑलरेडी। आज कुछ शरारती तत्व आए और इसको तोड़ने की बात करने लगे। कौन थे वो, ये जानकारी पूरी अभी नहीं है कि कौन कौन लोग थे वो, लेकिन उसको लेके हमने सब लोग इकट्ठे हुए। जब इकट्ठे हुए तो इकट्ठे होने के बाद में यहाँ जब उन्हें लगा कि बहुत केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी आंदोलन के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर बुधवार को हंगामा खड़ा हो गया। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस दौरान दोनों ही पक्षों के बीच जमकर लाठघूंसे चले। वहीं दोनों गुटों के कई लोग भी इसमें चुटहिल हुए। आपको बता दें कि गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि करीब 70 से 80 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, जबकि किसानों की ओर से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गाली देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज हम सभी लोग वहां पे खड़े हुए थे और बहुत ही शालीनता से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हमारे प्रदेश मंत्री जी हैं अमित वाल्मीकि जी, जो हमारे पार्टी ने सम्मान देने का काम किया है वाल्मीकि समाज को, और हम लोग बहुत शालीनता से खड़े हुए थे। इतने में वहाँ राकेश टीका जी के जो गुंडे हैं वो सभी आए तलवार भाला
और जितने भी उस तरह का सामान हो सकता है जिससे वो आक्रमण कर सकते हैं। हमारी कितनी बहनें छोटी हो गई, जो अभी हमने फ़ोन किया वो आने की कंडीशन में नहीं है। बहनों की गाड़ियों को तोड़ दिया गया, सब हमारे अध्यक्ष जी जो अमित वाल्मीकि जी आए थे प्रदेश मंत्री, उनकी पूरी गाड़ी तोड़ के तहस नहस कर दी गई। तो हम यही चाहते हैं कि जो आज हमारे वाल्मीकि समाज पर ये हमला हुआ है। जालौन के कोंच नगर क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध पहलवान सौरभ गुर्जर पहुंचे। कोंच नगर क्षेत्र में आशीर्वाद होटल में आयोजित किए गए सम्मान समारोह में उन्होंने युवाओं को जीवन के मूल मंत्र दिए। वहीं उन्होंने कहा कि आप लोग अपने जीवन में माँ बाप की बात हमेशा मानना और उनका दिल कभी मत दुखाना। साथ ही उन्होंने युवाओं को फिट रहने की भी कई टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि जीवन में यदि ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। वहीं कार्यक्रम के दौरान उन्होंने युवाओं की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ के युवाओं में वो जज्बा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय WWE रेसलर बनने के लिए चाहिए होता है। कार्यक्रम के बाद सौरभ गुर्जर एक जिम भी गए जहाँ उन्होंने युवाओं को कुछ टिप्स भी दिए। थैंक यू वेरी मच, ये इतना प्यारा सा वेलकम जो मेरा हुआ यहाँ पे। मैं कौन से एक दो बार पहले भी फैमिली रिलेटिव्स के चक्कर में आया हूँ, बट ऐसे पहली बार आया हूँ एज ए गेस्ट। आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद पूरे कॉन्च। अच्छा, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं और युवाओं में खासी आपकी पहचान है, युवाओं क्या मैसेज है? युवाओं एक्चुअली आने वाला जो समय है वो सारा का सारा युवाओं का है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, हमारे देश की पूरी गवर्नमेंट से बात बोलती है कि हमारा युवा देश है। तो युवाओं के लिए मेरा कहना है ये मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे लड़के मिले जो बहुत अच्छे प्यार से मुझे डील कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में युवाओं को अपने शरीर पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा कोई भी प्रतिभावान ऐसा बंदा नहीं दिखा जो लगा है मुझे कि नहीं यार वाह यार नाइस पर्सनैलिटी। तो यहाँ के युवाओं के लिए स्पेशली मेरा कहना ये है। आगरा के जगदीशपुरा के सेक्टर 4 में बदमाश के तमंचे पर दुकानदार के झाड़ू का जादू देखने को मिला। बता दें कि बदमाश तमंचा दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम देने आए थे, जिसके बाद मौके पर मौजूद दुकानदार ने बदमाश को झाड़ू से खदेड़ा। वहीं बदमाश बिना लूटे हुए मौके से फरार हो गए। यह पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसके आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। समाजवादी पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आपको बता दें कि जिला कार्यालय में समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी ने प्रशासन और माफियाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि चेखुर पांडे सोनभद्र जिले से समाजवादी पार्टी से समर्थित प्रत्याशी हैं। चेखुर पांडे ने बताया कि चुनाव लड़ने पर उनको माफियाओं द्वारा घर गिराने और स्कूल गिराने की धमकी दी जा रही है। देश में बढ़ते बेतहाशा डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों को लेकर वाम मोर्चा के लोगों ने सरकार के खिलाफ जुलूस निकालकर नारेबाजी की। वहीं नारेबाजी करते हुए उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सोनभद्र के रामलीला मैदान के बाद वाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालते हुए बड़हाली चौराहा होते हुए सदर तहसील पहुंचे। वहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। मीडिया से बातचीत करते हुए बाकपा के जिला सचिव आरके शर्मा ने बताया कि देश में लगातार बढ़ रही डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की महंगाई को लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार द्वारा डीजल, गैस, पेट्रोल के दामों में कमी नहीं की जाती है तो हम लोग बहुत जल्द सड़कों पर बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार ने जो मजदूरों के ऊपर रात दिन हमले कर रही है, जो सारे श्रम कानूनों को तोड़कर 4 श्रम कानून बनाने के उन्होंने काम किया है, इससे मजदूरों का शोषण बढ़ेगा, बढ़ रहा है और छटनी बढ़ रही है, कल कारखाना के मालिकों की मनमानी बढ़ रही है और जो हमारे श्रम विभाग में जो उनको अधिकार मिले थे उन अधिकारों को भी इन्होंने छीन लिया है। तो मजदूरों का और जो इन्होंने 1,000 रुपये घोषणा किया था देने का वह भी नहीं मिल पा रहा मजदूरों को, मजदूर भुखमरी के कगार पर है और 6-6 महीने। ड्रग विभाग ने आगरा के थाना जगदीशपुरा में गढ़ी बदौरिया में अवैध रूप से चल रही मेडिकल और सर्जिकल फैक्ट्री पर छापेमारी की। आपको बता दें कि फैक्ट्री में सिरिंज और कई डिवाइसेस को बरामद किया गया है। बता दें कि फैक्ट्री किसी राजेश अग्रवाल नामक व्यक्ति की बताई जा रही है। ड्रग विभाग के जरिए मुखबिर की सूचना पर यह जानकारी मिली। आपको बता दें कि जगदीशपुरा थाने की गढ़ी बदौरिया में मेडिकल और सर्जिकल सामान बनाने की फैक्ट्री चल रही है। फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही थी, संचालक के पास लाइसेंस और मंजूरी आदि नहीं थे, जिसके बाद सूचना मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग विभाग व ड्रग इंस्पेक्टर के नेतृत्व में छापेमारी की गई।
औरैया के बाबरपुर कस्बे के नवीन नगर मोहल्ले में रखी झोपड़ी में अचानक आग लग गई। वहीं आग की चपेट में आने के से कई जानवरों की मौत हो गई। इस हादसे में दो मासूम भी झुलस गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही पशु चिकित्सा अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है। मोहल्ला नवीन नगर नगर पंचायत बाबरपुर अजीतमल में बालेश्वर कुशवाहा और उनका भतीजा राकेश कुशवाहा के छप्पर में आग लग गई, घर में आग लग गई, जिससे उनकी तीन मवेशी भैंस पड़िया और छेरी बकरी तीनों जलकर ख़त्म हो गए। छोटे बच्चों को भी हल्की सी झुलस गए, हल्के झुलस गए और इनका मुआयना जो है देखभाल और सरकारी अस्पताल के मवेशी के डॉक्टर भी कर गए और नगर पंचायत से जो भी यथासंभव प्रयास रहा कि उनकी जो है भैंस और जानवरों को उठवा के जो है अन्य भिजवाया गया। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।